नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सिंहासन पर बिठाकर पोस्टर में ये बातें लिखी गई हैं कि किस तरीके से घपला करते हैं वो, और संपत्ति सृजन में उनका कोई जवाब नहीं है। पोस्टर तो जारी कर दिया गया है सत्ताधारी दल द्वारा, लेकिन इस पर विपक्ष क्या कुछ कहेगा? इस वक्त आरजेडी नेता विजय प्रकाश हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव को सिंहासन पर बिठा रही है जदयू, कह रहे हैं कि घपलेबाजी में या फिर संपत्ति सृजन में नंबर वन है। देखिए, दुर्भाग्य है कि तेजस्वी यादव को जेडीयू का औकात नहीं है कि जो है सिंहासन पर बैठाने का काम बिहार की जनता, बिहार का आवाम, बिहार का नौजवान, बिहार का किसान और राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत कार्यकर्ता और महागठबंधन के सभी साथी करेंगे, न कि एनडीए के लोग। एनडीए के लोग पहले अपना सिंहासन खाली करें, फिर जो है तेजस्वी यादव जी को बैठाने का काम बिहार के आवाम करेंगे। और जो तेजस्वी यादव जिस सिंहासन के कुर्सी पर बैठे हुए, ये आज का फोटो नहीं है, ये लगभग जो है 5 वर्षों का फोटो है कि वह फोटो तेजस्वी यादव का मजबूती से अपने घर में बनाया हुआ फोटो था और लोगों ने सिंहासन पर बैठाकर फोटो समर्थक लोगों ने खिंचवाने का काम किया। ये जेडीयू का औकात नहीं है। और जहाँ तक घपलों का और घोटालों का बात करता है, तो सबसे पहले सिंहासन पर बैठे हुए लोग ये बताएं कि सृजन घोटाला किसके राज्य में हुआ है, 34-34 बेटियों का बलात्कार किसके सिंहासन पर बैठने के बाद हुआ है, दिन दहाड़े जो है बेटियों के साथ बलात्कार होने के बाद जलाया जाता है किनके सिंहासन पर बैठने के बाद हुआ है। पहले झांक ले नीतीश कुमार, जो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूपेण जो है लिप्त है, वह व्यक्ति किसी दूसरे को जो है आईना दिखाने का काम करता है। शर्म करने का चीज़ है कि हमने 15 सालों में कैसे जो है लोगों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया। अब जब आपको उतारने के लिए जनता जब जो है तत्पर हो गया है, तब आपको दर्द महसूस हो रहा है। नीतीश कुमार जी, दर्द अभी नहीं हो रहा है, एकदम पूरे पोर में दर्द होगा 6 महीना के बाद, तब एहसास होगा कि जो है महान जनता को जो बेवकूफ बनाया उसका नतीजा क्या होता है। चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब बिहार की बारी, तैयारियां पूरी हैं। पूर्ण रूपेण हम लोग तैयारी कमर कसे हुए हैं और हमारे नेता 24 घंटा तैयार हैं कि जब चुनाव हो जाए तब जो है आप लोग उससे। कल जो है हमारे विधायकों की बैठक हुई, आज जो है नए जिला अध्यक्षों की भी बैठक होगी, कल और बैठकें होगी, लगातार निरंतर बैठकें होती रहेगी और सबों को जो है प्रोत्साहित करने का काम हमारे नेता कर रहे हैं और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कोई डर और भय नहीं, क्योंकि यह निकम्मा सरकार को हमसे आगे बिहारवासी नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। बजट सत्र भी होने वाला है, तो बिहार को कुछ उम्मीदें हैं? बजट सत्र में बतावें, नीतीश कुमार जो है थपड़ी बजा रहे थे कि नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया बजट दिए हैं, तो क्या मिला बजट में? डबल इंजन की सरकार बताने का काम करें, बेशर्मी का हद पार कर चुके हैं। यही कहते हैं कि महागठबंधन को धोखा दे के गए थे कि बिहार का विकास हम करने के लिए चाहते हैं, एनडीए के साथ जाएंगे, नरेंद्र मोदी के गोड़ पर हम बैठेंगे तो हम जो है बिहार का विकास कर देंगे। क्या रुपया मिला? क्यों ने स्पेशल पैकेज मिला? क्यों ने स्पेशल स्टेटस मिला? क्यों ने जो है बाढ़ में जो कच्चे थे मोदी जी, वो अभी तक देने का काम किए हैं? झूठ का ढोंग आप लोगों को ऐसा पछाड़ेगा और पटकेगा न बिहार का जनता, पता चलेगा न 2020 के चुनाव का। साल के अंत होते होते तक जनता किसे सिंहासन पर बिठाएगी और जनता किसे पटकेगी, ये तो खैर जनता के हवाले ही छोड़ देते हैं। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।